नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों का स्पेशल थैंक्स भी बोलता हूं क्योंकि आप लोगों ने हमारी जो पिछली वीडियो है उन्हें अब प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट देते रहिए, मैं भी कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और कंटेंट रिच वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊँ। तो आज जो बात करने वाले हैं पीजी के बारे में करने वाले हैं, यूपी कैडर 2022 पीजी में कुल कितनी सीटें हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे और कितनी रैंक तक होगा सिलेक्शन इसमें इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक जो है सिलेक्शन हो सकता है और सीएससी कितने रैंक तक मेजर सब्जेक्ट जो है वो मिल सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक यूनिवर्सिटी वाइज भी रैंक बताया चलेगी, मेजर सब्जेक्ट वाइज भी रैंक पता चल जाएगी आपको फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक होता है और लास्ट राउंड में कितनी रैंक तक मिला है विथ एग्ज़ाम्पल जो मैंने खुद देखा है कि इतने रैंक तक डिवीज़न हुआ है लास्ट काउंसलिंग में। तो आपको पूरी डिटेल इसमें मिलेगी, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए और कैसे ये मैं सीट मैट्रिक्स के अनुसार ये निकाला हूँ, तो आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें कितने कॉलेज हैं। कॉलेज वाइज जो है इसमें दिया गया जैसे कि एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी होम साइंस कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज वगैरह रहते हैं उन्हीं के अनुसार जो है ये दिया गया। हॉर्टिकल्चर कॉलेज, फॉरेस्ट्री कॉलेज, एमवीएससी वेटरनरी साइंस, एमटेच इंजीनियरिंग, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमटेच, एफएमसी फिशरीज साइंस, कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस और एमबीए। एमबीए अलग है थोड़ा क्योंकि एमबीए का पेपर पैटर्न ही पूरा अलग है, उसका एग्ज़ाम जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आ पाया है। हम बात इसी की भी करेंगे, एमबीए की भी रिजल्ट तो है जो वो दो चार दिन बाद आता है इन कंपेरिजन टू यूपी कैडेट के अनुसार। तो यूपी कैडेट जैसे कि 30 तारीख को आया है तो उसका हो सकता है 10 तारीख तक का जो है वो आ जाए इसका रिजल्ट। तो आप बात करने वाले हैं इसमें कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में हैं, तो इसे पूरा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वरना वीडियो जो है ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो इसके लिए आपको मेजर जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। पहला जो कॉलेज है वो एमएससी कम्युनिटी साइंस या होम साइंस, इसमें टोटल कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर टोटल सीटें जो हैं वो 39 है जिसमें से 30 जो हैं वो सीएससी में है और 9 सीटें जो हैं वो तुम्हारी एनडी में है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, यहाँ पर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट देख लीजिएगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, तो एग्रोनॉमी है, स्टैटिक्स है, मेट्रोलॉजी है, इस प्रकार से इसके जो सब्जेक्ट हैं मैं उसकी बात नहीं करूँगा, जो टोटल सीटें हैं उसकी बात करें यहाँ पर। तो एग्रीकल्चर एमएससी एजी में टोटल जो सीटें हैं सीएससी में वो 121 हैं, एनडी में 153 हैं, मेरठ में 54 सीटें हैं और हमारी यहाँ पर बांदा में 63 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर जो सीटें चारों यूनिवर्सिटियों में हैं वो एग्रीकल्चर की 391 सीटें हैं, टोटल सीटें जो हैं 391 हैं एग्रीकल्चर एमएससी की। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो यहाँ पर जो टोटल सीटें हो जाएंगी यूनिवर्सिटी वाइज, तो सबसे पहले 18 सीटें जो हैं वो सीएससी में हैं, 34 सीटें जो हैं वो एनडी में है, उसके बाद 14 सीटें जो हैं वो मेरठ में है, 29 सीटें जो हैं वो बांदा में है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीट हो जाएंगी 95। तो यहाँ पर जो 95 सीटें हैं टोटल वो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में है या एमएससी कॉलेज, यहाँ पर मैं कॉलेज की बात करूँगी कि वहाँ पर कॉलेज ही होते हैं उनके अनुसार जो है एमएससी हॉर्टिकल्चर जो है। नेक्स्ट कॉलेज है एमएससी फॉरेस्ट्री, तो एमएससी फॉरेस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 6 सीटें जो हैं वो एनडी में हैं, 23 सीटें जो हैं वो बांदा में हैं। तो टोटल जो सीटें हुई वो 29 सीटें जो हैं वो फॉरेस्ट्री में हैं। नेक्स्ट बात करें एमवीएससी वेटरनरी साइंस की, तो इसमें आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं कि सब्जेक्ट में कितनी है, बाकी यहाँ पर जो टोटल सीटों की बात करें अगर तो यहाँ पर टोटल सीटें हो जाएंगी 102 सीटें हैं टोटल, चारों यूनिवर्सिटियों को मिलाकर 102 सीटें हैं। अब कहाँ पर कितनी है आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें
एमटेक एग्री इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पर टोटल जो सीटें हो की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी 34 सीटें, चारों यूनिवर्सिटियों को मिलाकर 34 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करें एमटेक या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें टोटल जो सीटें हैं वो 12 हैं। नेक्स्ट कॉलेज है एमएफएससी मास्टर इन फिजिक्स साइंस, तो इसकी बात करें तो इसमें टोटल जो सीटें हो जाएंगी वो 7 सीटें हैं, जो कि खाली एनडी में ही है। नेक्स्ट है एमबीए, एमबीए का अलग से पेपर हुआ है, उसका जो अलग पेपर हुआ अभी उसका रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। तो इसकी जो सीटों की बात करें तो टोटल इसमें सीटें हो जाएंगी तुम्हारी 100। एमबीए में टोटल सीटें जो हैं वो 100 हैं। रिजल्ट आप लोगों का जल्दी ही आ जाएगा, लगभग 10 तारीख तक, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। बाकी मैंने सीटों की कहाँ पर कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं इस बार 2022 में, और यहाँ पर जब टोटल सीटें करेंगे तो अप्रोक्स तुम्हारी सीटें बनेंगी 709 सीटें जो हैं वो आपकी हो जाएंगी टोटल सभी यूनिवर्सिटियों में। यहाँ पर मेजर माइनर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को इंक्लूड करके जो है लगभग 709 जो है वो तुम्हारी सीटें अवेलेबल हैं चारों यूनिवर्सिटियों में। तो अब 709 सीटें हैं। अब इनके अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं, सभी को पता ही है कि एग्रीकल्चर वालों का अलग पेपर हुआ है, फॉरेस्ट्री वालों का अलग पेपर हुआ है, लेकिन जो रैंक है वो तो कम्बाइंड है। तो इसमें किस प्रकार से आपको किस रैंक तक जो है एडमिशन मिल सकता है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर जिससे कि आपका कोई डाउट है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी के कमेंट का रिप्लाई देना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर आपको कोई भी इससे यूपी कैडेट काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और उससे संबंधित जैसे कि कितनी रैंक तक किस में सिलेक्शन होगा अगर इसकी बात की जाए, तो सबसे पहले तो एक मेजर सब्जेक्ट होता है, एक माइनर सब्जेक्ट होता है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट की चॉइस होती है, उन्हें मेजर ही सब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर मेजर सब्जेक्ट मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो एक तो इस क्राइटेरिया के स्टूडेंट होते हैं, दूसरे क्राइटेरिया के स्टूडेंट बात करें तो उन्होंने यही डिसाइड कर रखा होगा कि हमें यूनिवर्सिटी लेनी है, चाहे कुछ हो जाए, कुछ कोई भी सीट मिल जाए, हमें यूनिवर्सिटी लेनी है बस। तो एक तो इस प्रकार के स्टूडेंट हैं जो कि माइनर सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेजर सब्जेक्ट के चक्कर में सीटें छोड़ देते हैं, तो अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी वो सीट को छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर भी जो लास्ट काउंसलिंग है वहाँ तक लास्ट काउंसलिंग जो कराता है उसे फ़ायदा मिल जाता है इसका, और माइनर सब्जेक्ट जो लिया होगा उसका अपग्रेडेशन होकर जो है मेजर सब्जेक्ट में चला जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं इसके काउंसलिंग के। लेकिन यहाँ पर बात करें कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें कितने रैंक तक जो है तुम्हें CSA, ND, मेरठ और बांदा मिल सकता है, तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड की अगर बात की जाए तो 600 रैंक तक जो है आपको एडमिशन मिल सकता है, जिसमें कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, मैं मेजर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ। दोनों को मिलाकर लगभग 600 रैंक तक जो है आपको एडमिशन मिल सकता है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, जिसमें कि CSA, ND, मेरठ, बांदा, आप अपने हिसाब यूनिवर्सिटी का क्रम चेंज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो CSA ही चूज़ करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर CSA की बात करें तो CSA में 180 रैंक तक जो है वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में माइनर और मेजर सब्जेक्ट मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें ND की, तो ND में जो है वो 400 रैंक तक जो है मेजर और माइनर सब्जेक्ट मिल सकता है। मेरठ की बात करें तो 500 रैंक तक जो है वो मिल सकता है मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। बांदा की वहीं बात करें तो 600 रैंक तक जो है वो मेजर और माइनर सब्जेक्ट मिलाकर मिल सकता है। इतनी रैंक अगर आपकी है तो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पा सकते हैं मेजर या माइनर सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी वाइज रैंक हो गई। अब बात करें मेजर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट कितनी रैंक तक मिल सकता है, अभी बात करेंगे लास्ट काउंसलिंग तक कितनी रैंक तक जा सकता है, विथ एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि कितनी रैंक पर पिछली बार मिला था। तो यहाँ पर आपको मेजर सब्जेक्ट अगर लेना है मेजर सब्जेक्ट, तो मेजर सब्जेक्ट कितनी रैंक तक मिलेगा, तो इसकी बात करें तो CSA में मेजर सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो लगभग आपको रैंक जो है वो 80 से कम ही होनी चाहिए।
वहीं एनडी की अगर बात करें तो एनडी में के लिए अगर आपको रैंक लेना है मेजर सब्जेक्ट, तो आपकी रैंक होनी चाहिए लगभग 300 के आसपास अगर होगी तो लगभग आपको मिल सकता है। वहीं बात करें मेरठ की अगर बात करें तो आपकी रैंक जो है वो 350 तक अगर है आपको मेजर सब्जेक्ट मिल सकता है। ये मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें फर्स्ट काउंसलिंग और लास्ट काउंसलिंग दोनों मिलाकर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जो बांदा, अगर बांदा की बात करें तो बांदा में जो है लगभग 400 रैंक तक जो है आपको मेजर सब्जेक्ट मिल सकता है फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को मिला कर बता रहा हूँ। इसमें ये इसका क्राइटेरिया हो सकता है, यहाँ तक रैंक आपको मिल सकती है। अगर इसके बाद अगर बात करें टोटल कितने रैंक तक है जो एडमिशन हो सकता है, जैसे कि आपको पता है ये 709 सीटें हैं अप्रोक्स, तो यहाँ पर इतनी सीटें हैं मेजर और माइनर दोनों मिलाकर, जिन्हें मेजर नहीं लेना है उन्हें जो है सीट जो है छोड़नी पड़ती है मेजर के चक्कर में। मान लीजिए आपकी 40 रैंक है, आपको एग्रोनॉमी नहीं मिल रहा है, तो आप जो है एडमिशन नहीं लेंगे। जो मेजर सब्जेक्ट के लिए एडमिशन दिए हैं, पेपर दिए हैं, तो वो सीट जब छोड़ देंगे तो वहाँ पर आपको जो ज़्यादा रैंक वाला स्टूडेंट है उसे प्रेफर कर लेगा वो जो भी माइनर सब्जेक्ट मिला उसे। तो इस प्रकार से ज़्यादा रैंक वाले का एडमिशन भी हो जाता है क्योंकि छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल है छोड़ना, क्योंकि ऐसा अभी तक जैसे कि आपको पता ही होगा कि GRF और BHU जो मेजर इंडिया लेवल के जो एग्ज़ाम हैं ये अभी तक हुए नहीं हैं, इनका अभी एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है। BHU का तो फॉर्म पड़ चुका है लेकिन अभी तक GRF का फॉर्म भी नहीं आया है। तो अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो उन्होंने यूपी कैडेट दिया होगा तो ऐसा अनुमान है कि लगभग एडमिशन जो ले लेगा एक बार तो वो मुश्किल है जो सीट छोड़े, क्योंकि फीस पे कर देता है। और अभी काउंसलिंग अगर GRF का फॉर्म भी आएगा तो काउंसलिंग होने में भी समय लगेगा, लगभग अक्टूबर नवंबर तक निकाल देंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार यूपी कैडेट में जो भी सब्जेक्ट मिलेगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लेने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर बात करें मेजर माइनर तो हो गई लास्ट काउंसलिंग की, कि लास्ट काउंसलिंग तक कितने रैंक तक जो है जा सकता है, तो यहाँ पर आपके अगर रैंक 1000 तक भी है, क्योंकि उसमें भी कुछ लोगों को नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा होगा, वो तो तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज दिखा रहा होगा, बट ओवरऑल जो है रैंक की बात करें तो वो 1000 की जो है रैंक तक जो है आपको काउंसलिंग तो ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि लास्ट काउंसलिंग तक जो है चांसेस आपके बने रहते हैं कि कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर मिल जाएगा माइनर मेजर लगा कर। तो टोटल जो है आपको 1000 तक अगर रैंक है तो आपको काउंसलिंग तो ज़रूर कराना चाहिए, हो सकता है अच्छी जो सब्जेक्ट है वही मिल जाए आपको लास्ट काउंसलिंग में। अब आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि पिछली बार क्या हुआ। पिछली बार 358 सीट रैंक थी, 358 रैंक पर बायोकेमिस्ट्री फ्री सीट बायोकेमिस्ट्री की फ्री सीट CSA मिली है लास्ट काउंसलिंग में। तो ये है लास्ट काउंसलिंग में ऐसा हो सकता है, इसके लिए माइनर सब्जेक्ट है लेकिन जो है आप लोग ध्यान रखिए लास्ट काउंसलिंग में जब 358 रैंक पर बायोकेमिस्ट्री CSA मिल सकता है तो हो सकता है कहीं मेजर सब्जेक्ट खाली पड़ा हो किसी जैसे कि बांदा यूनिवर्सिटी में, मेरठ यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे भी हो सकता है। तो लास्ट काउंसलिंग तो ज़रूर ही कराना, लास्ट काउंसलिंग में चांसेस रहते हैं कि अच्छी से अच्छी जो है कोई ना कोई जो है आपको सब्जेक्ट जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो जैसे कि टोटल सीटें आप लोग जान ही गए हैं कितनी हैं, तो इसी प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर वीडियो आपको कैसा लगा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को कोई जानकारी अगर प्राप्त हुई हो, अच्छी लगी हो जानकारी, तो आप लोग कमेंट तो जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई देने का।